हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वारसी किचन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जो आप घर में ही बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा, वो भी बिना यीस्ट, बिना ओवन के, घर में ही। और इसका जो बेस होता है वो भी हम घर ही में बनाएंगे, होममेड। बिल्कुल ये पिज़्ज़ा रेसिपी है, डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा हम घर पे तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने ये 2 कप मैदा ले ली है और इसको अच्छी तरह से हमने छान लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अब देखिए, 1 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। देखिए, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब देखिए, 2 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अब देखिए, इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शक्कर आप भर के डालिएगा, ताकि 2 टेबल स्पून डालिएगा, ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिएगा। अब देखिए, अब हम इसमें 1 कटोरी दही ऐड कर देंगे। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। अब देखिए, 2 टेबल स्पून हम इसमें ये रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब देखिए, पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका पिज़्ज़ा बेस का डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए डो, तभी सॉफ्ट होगा, तभी इसका पिज़्ज़ा बेस जो है बहुत अच्छा बनता है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसका डो सेट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें इसका सॉफ्ट सा डो बनाना है पिज़्ज़ा बेस के लिए, और इस पे हम थोड़ा थोड़ा करके पंच लगाते जाएंगे। जितना हम इसे पंच लगाएंगे उतना ही ये सॉफ्ट बनेगा। जितना पिज़्ज़ा बेस सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छा इसका पिज़्ज़ा बेस बनता है, इसलिए आप डो को सॉफ्ट ही बनाइएगा। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे इस डो को। देखिए, डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, कितना सॉफ्ट डो बना है ये। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे करीब 22-25 मिनट्स, 20-25 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करेंगे। चलिए रख देते हैं। अब देखिए, टॉपिंग्स के लिए हमने ये कुछ वेजीज काट ली हैं, जिसमें हमने ये कैप्सिकम ले ली है, ये टमाटो ले लिया है और ये अनियन ले ली है। आपको जो भी वेजीज पसंद हो आप इसमें टॉपिंग्स में डाल सकते हैं, आप किसी की भी टॉपिंग्स कर सकते हैं पिज़्ज़ा पर, बहुत ही अच्छी लगती है। टॉपिंग को हम हल्का सा टॉस करेंगे, इसके लिए हमने ये थोड़ा सा 1 टेबल स्पून हमने ये मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। देखिए, टॉपिंग्स को हम हल्का सा टॉस कर लेंगे। इसमें हमने कैप्सिकम और अनियन डाल दी है, हमने इसमें टोमेटो अभी नहीं डाला है क्योंकि वो थोड़ा जल्दी गल जाएगा, इसलिए उसे बाद में हम डाल देंगे। इसमें हल्की सी बिल्कुल 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, बहुत ही ज़रा सा डालिएगा आप लोग भी। हल्की सी 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब देखिए, 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। सारे मसाले हमने इसमें डाल लिए हैं। अब हम इस टाइम पे हल्का सा ये जो है इसको भी टॉस कर लेंगे, टमाटर को इसमें डालकर, और फिर इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। इन वेजीज को गलाना नहीं है, बस ज़रा सा ही टॉस करना है। अब देखिए, टॉपिंग्स को हमने निकाल लिया है। अब देखिए, अब हम डो को चेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी से फूल गया है। देखिए, रेस्ट करके कितना अच्छा सॉफ्ट डो हो गया है, कितना फूल भी गया, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब चलिए, अब हम इसका बेस बना लेंगे। अब देखिए, हमने इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब इसको हम बेस एक रोटी टाइप में बनाएंगे बेस। अब देखिए, पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हम इसे हाथ से थोड़ा हल्का हल्का टैप कर लेंगे, फिर हम एक रोटी शेप में बेलन से बेल लेंगे।
इसको हमें सब तरफ से एक सा बेलना है, इसके साइड्स को अब भी। देखिए पूरा बेल गया है, 9 इंच का ये पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए अब हम इसको ऐसे करके इस पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देखिए एक फोक की हेल्प से हम पिज़्ज़ा बेस में जो है होल कर देते हैं ताकि ये फूले ना ब्रेड की तरह, इसलिए हम इसे होल कर देंगे। अब देखिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें आप बटर या ऑयल कुछ भी डालिएगा। हमने हीट कर लिया है कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें ये पिज़्ज़ा बेस है इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखिए हमने पिज़्ज़ा बेस को बिल्कुल हल्का सा सेक कर निकाल लिया है। अब देखिए हम ये जो है इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। ये हमने होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो भी ले आऊँगी पिज़्ज़ा सॉस की। अब इस पर सब हम अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर देंगे। अब देखिए अब हम 1 टेबल स्पून ये चिल्ली सॉस भी अप्लाई कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और इसे अच्छी तरह से हम इसे बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, सब तरफ हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अब हमने एक चीज़ लिया है, इसे ग्रेट कर लेंगे, मोज़रेला चीज़ लिया है, इसे अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे, सब तरफ स्प्रेड करेंगे हम इसे। आप इसमें कोई सा भी चीज़ लगा सकते हैं। अब हम इसमें जो है टॉपिंग्स ऐड कर देंगे। आप इसमें कोई भी वेजीज ले सकते हैं, ऑलिव्स ले सकते हैं, पैप्रिका, जो भी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा दिल चाहे वैसा डेकोरेट कर लिएगा। अब देखिए पिज़्ज़ा पर हमने सारी टॉपिंग्स लगा दी हैं, कितना कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी टॉपिंग्स लगाने के बाद हम पिज़्ज़ा को फिर से एक बार चीज़ ग्रेट कर लेते हैं। जितना ये पिज़्ज़ा चीज़ी होगा उतना ही ये इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर उतना ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर हम जल्दी से ग्रेट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है हमने ये चिकन लिया है, चिकन में हमने सारे मसाले डाल के इसको रोस्ट कर लिया है। अब देखिए पिज़्ज़ा पर हम चिकन पीसेस भी रख लेते हैं, क्योंकि हम ये चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसमें हम चिकन पीसेस सारे रख लेंगे। आप अगर पनीर वाला बनाना चाहते हैं वेज पिज़्ज़ा तो आप चिकन की जगह पनीर भी रख सकते हैं। अब देखिए हमने पिज़्ज़ा को चिकन पीसेस के साथ बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया है, कितना बढ़िया सा सुंदर सा ये पिज़्ज़ा लग रहा है। अब इसके बाद जो है हम इस पर फिर से दोबारा से चीज़ ग्रेट कर लेंगे चिकन पीस के बाद, पीसेस डालने के बाद। तो देखिए हमने चीज़ के साथ इसको कितने अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लिया है। आपका जैसे दिल चाहे वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने कढ़ाई को पहले से प्रीहीट कर लिया है। आप इसे बहुत ही सावधानी के साथ आप पिज़्ज़ा को कढ़ाई में ट्रांसफ़र करिएगा। अब जो है हम 20 मिनट्स के लिए हम पिज़्ज़ा को कवर करके रख देते हैं कुक करने के लिए। अब देखिए 20 मिनट के बाद हम पिज़्ज़ा चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से चीज़ भी मेल्ट हुआ है और बिल्कुल डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा 20 मिनट में बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से बना है ये पिज़्ज़ा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे बहुत ही आराम से। देखिए अब आपको मार्केट से पिज़्ज़ा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से आप अपनी मनचाही टॉपिंग्स भी इसमें डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें सीजनिंग अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब हम पिज़्ज़ा को कट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसान तरीके से ये पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा घर पर बिना यीस्ट बिना ओवन के डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और एक बार ज़रूर ऐसे पिज़्ज़ा बनाकर ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।